गुड मॉर्निंग, मैं नरेश कुमार यादव आज आपको टायर से संबंधित एक नई प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा। एक्टिवा गाड़ी में ये प्रॉब्लम आई है। इस गाड़ी को शाम को जब खड़ी करते थे तो रात भर में इसकी पूरी हवा निकल जाती थी, और कई बार इसका चेक कराया तो पंचर कोई नहीं था इसमें। वाल भी रिप्लेस कर दिया, उसके बाद भी इसकी हवा लीक हो रही थी। 4-5 घंटे बाद ही इसका टायर से हवा निकल जाती थी। तो इसके लिए जब हमने रिम को चेक किया तो रिम में जगह जगह चोट के निशान थे, और ये निशान उबड़ खाबड़ रास्तों पे चलने से या खड्डे पे टायर का स्पीड में जाना, पत्थरों पे स्पीड में जाना, उससे इसमें रिम में जो है छोटे छोटे चोट के निशान या रिम टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है हल्का सा, जो बहुत थोड़ा होता है, दिखाई नहीं देता। ज़्यादा बारीक से देखोगे तभी पता लगता है। तो इसकी वजह से गैप बन जाता है, और ट्यूबलेस टायर में ये दिक्कत बहुत ज़्यादा है। ज़रा सा भी रिम में अगर फ़र्क पड़ गया तो आपकी हवा जो है टायर में रहेगी नहीं, वो निकल जाएगी, लीक हो जाएगी। इसकी वाल बॉडी भी टेढ़ी हो रखी है, देखिए। इसमें से इस वाल्व से हवा निकाली हमने, लेकिन इसकी जो पिन है वो नहीं निकल रही, क्योंकि जो इसका वाल्व बॉडी है उसका शेप चेंज हो गया है। इसको हमने वाल्व पिन की सहायता से पूरा घुमा करके इसकी पूरी हवा निकाल दी है। अब पैरों से इसको स्मूथली हम दबा रहे हैं ताकि टायर जो है रिम की जगह को छोड़ दे, क्योंकि रिम में चिपक जाता है टायर, उसके किनारों को छुड़वाने के लिए हम पैर से इसको दबा रहे हैं। और ये देखिए, रिम से टायर की किनारी अलग हो गई है। अब सेम हम इस टायर को पलट कर दूसरी तरफ से भी करेंगे। इस तरफ भी हम प्रेशर से किनारी छुड़ा देंगे रिम की, और टायर को जो है अलग कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये लोकल हमने बनाए हुए छेनी टाइप के हैं बनाए हुए, इसकी मदद से एक को फंसा कर दूसरे से टायर को रिम से ऊपर खींच लेंगे, और जैसे ही वो थोड़ा सा आ जाएगा उसके बाद धीरे धीरे एक को उसी में फंसे रहने देंगे और दूसरी पत्ते से टायर के किनारे को छुड़ाते हुए पूरे टायर को हम छुड़ा लेंगे। ये हमने देखिए पूरा टायर छुड़ा दिया है। अब इसको पीछे की साइड से, क्योंकि हमें पूरा रिम चेंज करना है तो टायर निकालना ही है, तो पीछे की साइड से भी बाहर को खींचते हुए और हल्के हल्के चोट मारते हुए इस छेनी से जो हमने बनाई हुई है इससे पूरा टायर छुड़ा के रिम अलग कर दिया। अब क्योंकि नया टायर लगा रहे हैं तो नए टायर को बैठाना है। इसमें हम क्या है, वॉल बॉडी है नहीं, वॉल बॉडी हम नहीं लगाएंगे, पुराने टायर की निकालने में टूट जाएगी, वो काम नहीं आएगी। ये वॉल बॉडी है, ये इस तरह की होती है, ग्रीस इसमें हमने लगाया है। और जो रिम का वॉल बॉडी होल होता है उसमें हम रिम की साइड से अंदर को डालेंगे। ये अंदर को डाल दिया। अब जो वाल रिंच होता है उससे पहले वाल में घुमा करके क्लॉकवाइज चूड़ियाँ कस लेंगे, और इसको धीरे से रिम से अंदर की साइड को खींचेंगे। थोड़ा सा आ गया अंदर को। अब इसमें हम एक लीवर का काम करेंगे, एक कुछ फंसा करके और इसको नीचे को दबाएंगे तो ये लीवर का काम करेगा और वॉल बॉडी जो है खींच के अंदर को आ जाएगी। ये देखिए वॉल बॉडी आ गई है, फिट हो गई है। ये वॉल बॉडी जो है रिम में बैठ गई है। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर हम वॉल स्पैनर को अलग कर लेंगे और थोड़ा सा इसको अंदर को दबा देंगे। अब इसमें जो टायर हमने एक्टिवा का खोला है वो इसमें फिट करेंगे। सारी स्कूटियों में जो ट्यूबलेस टायर होते हैं अक्सर ये प्रॉब्लम आ जाती है। इस कंडीशन में रिम चेंज करना ही बेटर है, वॉल बॉडी और रिम पूरा चेंज कर दें, टायर वही काम कर जाएगा अगर उसमें पंचर नहीं है, ज़्यादा कट नहीं लगे हुए हैं तो। और सेम यही कंडीशन में प्रॉब्लम ये आ रही है। तो
वाल्व हमेशा ग्रीस लगा करके डालें। और टायर को भी देखिए हमने हल्का सा लुब्रिकेंट लगा दिया है किनारे किनारे पे, ताकि अंदर से आराम से ये बैठ जाए। सबसे पहले नीचे वाला जो टायर का किनारी है उसको बैठाना है। ये देखिए इस पाने से, ये लोहे की पत्तियां हैं, हैवी मेटल है थोड़ा, उसको हमने मोड़ करके बनाया हुआ है। वैसे रेडीमेड भी मार्केट में आपको मिल जाएगा। ये इस साइड से भी हो गया है, देखिए ये बन बैठ गया है। अब इसमें हम हल्के हल्के हवा भरेंगे, एक साथ इसलिए नहीं भरेंगे क्योंकि इसमें अभी टायर ने ग्रिप अपनी जगह बनाई नहीं है। थोड़ा सा हवा भरेंगे, फिर इसको ऐसे ज़मीन पर जंप करेंगे, फिर थोड़ी हवा भरेंगे तो टायर जो है थोड़ा सा फूलते हुए रिम की पकड़ बनाएगा। ये देखिए धीरे धीरे टायर फूल रहा है, खुल रहा है मतलब। अब इसमें पूरी हवा भर देंगे हम।